हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर ले, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। आज के वीडियो में, जी हाँ, आज का जो ब्लॉग है वो कुंज के लिए है। जी हाँ, कुंज को आप लोग बर्थडे विश कर सकते हैं, क्योंकि आज कुंज 2 साल का हो गया है और इसका ये दूसरा बर्थडे है। फर्स्ट बर्थडे का लिंक मैं आई बटन में लगा दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये इसका दूसरा बर्थडे है। ज़्यादा धूमधाम से मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे कहीं जाना था। जो भी बन पड़ा मैं की दूसरा बर्थडे में। और यहाँ पे मैं स्पेशली बनवाई थी केक डोरेमोन का, जो कि देख सकते हो यहाँ पे डोरेमोन का केक है। कुंज का गेटअप कैसा लग रहा है, कुंज कैसा लग रहा है वो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर नानी माँ, दादी माँ और नाना जी, जी हाँ, दादाजी की कमी खल रही है। अगर दादाजी रहते तो ये वीडियो, ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा होता और ये एक मेमोरी बन जाती। बहुत ही खूबसूरत लगता है जब सारे लोग रहते हैं, और हमारे बड़े जब रहते तो और भी अच्छा लगता है। और फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो केक कटिंग का टाइम आ गया है, तो सारे बच्चे को मैंने कैप पहनाया था, अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे दर्शु, जो कि मेरा भतीजा है, वो पहली बार आया था हमारे यहाँ कुंज के बर्थडे में। वो उसका भी आप ब्लॉग देखे होंगे, वो भी 1 ईयर का हो गया। और यहाँ देख सकते हो बहुत ही अच्छे से इस बार कुंज केक काटा है। और गुंज देखो, गालियां निकाल दो ना, ये गालियां निकाल दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। देखो भाई थोड़ा सा तो छोटे देखो देखो बाबा तो ले और फाइनली यहाँ देख सकते हो केक कट गया है। कुंज को सारे लोग केक खिला रहे हैं, दादी जी भी खिला रही थी, सारे लोग जो भी गेस्ट आए थे वो खिला रहे थे। ज़्यादा बड़ा मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे निकलना था, उसका भी प्रिपरेशन करना था। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, इसके लिए बने रहना होगा मेरे ब्लॉग में, आप लोग को जल्दी ही पता चल जाएगा। कुंज के बर्थडे मना लेने के बाद मैं गई मायके, जा रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी में मैं, मम्मी, मेरी भाभी, मेरा भतीजा और कुंज सारे लोग हैं। और उसके बाद जब हम लोग गांव पहुँचते हैं तो एक रस्म होता है, जी हाँ, गांव के बाहर ही किया जाता है, नज़र उतारने की। तो यहाँ देख सकते हो नज़र उतार रही है मेरी छोटी वाली भाभी। दर्शु का 5 बार किया जाता है मिट्टी से, नज़र गुजर नहीं लगे। तो ये हर जगह होता है, आप लोग के यहाँ भी होता होगा। अगर ऐसा रिचुअल है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये रिचुअल,
यहाँ पे देख सकते हो अभी फिलहाल दर्शु का उतारा जा रहा है, उसके बाद मैं भी उतारती हूँ, क्योंकि कुंज और दर्शु जो है वो पहली बार अपने नानी के घर गया था, बहुत ही दूर है। जी हाँ, दरभंगा मेरा मायके है, तो वहीं पे मैं गई थी। यहाँ पे देख सकते हो पापा गाड़ी से उतर के वो मिट्टी का ढीला जो होता है वो पाँच लाए थे यहाँ पे, देख सकते हो। और बोला जाता कि नज़र गुजर सब जो है वो यहीं रह जाए, और फिर उसके बाद गांव के अंदर प्रवेश किया जाता है। तो ये गांव के बाहर का है, उसके बाद हल्का सा जो क्लिप है वो मैं गांव का शूट की हूँ वो भी दिखाऊंगी। और मेन दुर्गा जी का मंदिर है वो भी, उसका एक अलग ही ब्लॉग मैं बनाई हूँ, तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा वेट करना होगा। फिलहाल हम लोग घर पहुँचते हैं तो सारे लोग, और कुंज की मस्ती आप लोग ज़रूर देखें, कुंज बहुत ही मस्ती। ये गाँव का है, ये मेन है, ये मंदिर का गेट है, देख सकते हो। गाँव में जैसे ही एंट्री करते तो मंदिर आता है, और ये गांव का व्यू। यहाँ पे फाइनली हम लोग घर पहुँच गए हैं सारे लोग, देख सकते हो बहुत ही दूर है। और यहाँ पे सारे लोग, बच्चे लोग आए हैं, प्रणाम किए हैं। तो ये सब गांव में होता है, शहर में तो नहीं होता है। गांव में आपको ये सब चीज़ देखने को ज़रूर मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हो कुंज पहली बार गया, लेकिन उसको जो एक होता है ना, बच्चे रोने लगते हो, वो सब चीज़ नहीं होता। यहाँ तक देख सकते हो अपने भाई के साथ वो कैसे खेल रहा है। तो कैसा लगा छोटा सा हमारा ये ब्लॉग आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार ज़रूर करें, क्योंकि बहुत जगह हम लोग घूमने गए हैं। जी हाँ, मिथिला का बहुत ऐसे ऐसे जगह पे घूमने गए हैं जो आप लोग को हमारे ब्लॉग में देखने को मिलेगा।